नमस्कार, मैं खुशवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड। उद्योग मंत्री ने हर माह 1000 उद्योग लगाने का लक्ष्य किया निर्धारित। बिहार के हर विश्वविद्यालय में खुलेंगे ई लाइब्रेरी। आईटीबीपी जवान अभिराज को नम आंखों से गांव वालों ने दी श्रद्धांजलि। पंत ने कहा टीम इंडिया आगामी T20 वर्ल्ड कप में अपना 100% देगी। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड। 4 वर्षीय बीएड में नामांकन के लिए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि 4 वर्षीय बीएड में नामांकन हेतु 28 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, जिसके लिए आज एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जिन्होंने भी इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है वो वेबसाइट पर लॉग इन कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को वेबसाइट पर जाकर अपना आईडी और पासवर्ड डालकर अकाउंट लॉगिन करना होगा। आपको बताते चले कि परीक्षा के लिए 2 शहरों में सेंटर बनाया गया है, जिनमें मुजफ्फरपुर और दरभंगा शामिल है। सीईटी आईएनटी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 9443 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन जमा किया है। इसमें 4696 महिला एवं 4747 पुरुष शामिल हैं। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव IGIMS में एडमिट। बीते दिन महागठबंधन सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें IGIMS में भर्ती कराया गया। सुबह तक के अपडेट के अनुसार विजेंद्र यादव डॉक्टरों की निगरानी में IGIMS में इलाजरत थे। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर का कहना है कि विजेंद्र यादव हार्ट की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और छाती में पानी मिला, जिसके बाद उन्हें CCU में रखा गया है। वहीं विजेंद्र यादव की तबीयत खराब होने की सूचना पर उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव IGIMS पहुंचे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने इलाज कर रहे डॉक्टरों से पूछताछ कर बेहतर इलाज मुहैया कराने को कहा। उद्योग मंत्री ने हर माह 1000 उद्योग लगाने का लक्ष्य किया निर्धारित। बिहार के नए सरकार के मंत्री कुर्सी संभालते हुए एक दूसरे के रेस में आ गए हैं। विकास पर काफी जोर दिया जा रहा है। इस बीच वित्त सह वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभाग का कार्यभार संभालते ही रोजगार को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने रिक्त पड़े पदों को भरने की घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने हर माह छोटे बड़े कम से कम 1000 उद्योग की स्थापना करने का लक्ष्य तय किया है। आपको बता दें कि इस दौरान वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीते दिन कहा कि वाणिज्य कर विभाग के सभी खाली पदों को शीघ्र भरा जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष में 35,887 करोड़ के टैक्स उगाही के लक्ष्य हर हाल में पूरे करने का निर्देश दिया है। महागठबंधन सरकार के 84% मंत्री करोड़पति। बिहार के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। सभी मंत्री अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करने में जुट गए हैं। महागठबंधन की सरकार में कुल 31 मंत्रियों ने अपने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जहां राजद से सबसे अधिक 16 और जदयू से 11, कांग्रेस से 3 और हम से 1 मंत्री ने अलग अलग मंत्रालय का पदभार संभाला। खास बात यह है कि वर्तमान मंत्री परिषद को करोड़पतियों की कैबिनेट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के एक सर्वे के मुताबिक इस मंत्रिमंडल में 84% मंत्री करोड़पति हैं। राजद के मंत्रियों की बात करें तो वर्तमान में 17 मंत्री विधानसभा में हैं, जिनमें 16 मंत्री करोड़पति हैं और 1 लखपति। वहीं जदयू के 11 मंत्रियों में से 9 मंत्री करोड़पति हैं। वहीं हम के एकमात्र मंत्री संतोष सुमन भी करोड़पति हैं। मूसलाधार बारिश की कोई संभावना नहीं, बढ़ रहे हैं तापमान। बिहार में इस साल अच्छी बारिश नहीं हुई है। इस साल पर्याप्त से 41% कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से इस साल सूखे ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार से मानसून इस कदर रूठा है कि बारिश का नामो निशान नहीं है, जिसकी वजह से तापमान में भी वृद्धि हो रही है। वहीं आज सुबह से ही सूरज की तपिश ने लोगों को परेशान किया। तीखी सूरज की किरणों की वजह से आज पूरा दिन लोग परेशान रहे। अगर मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम विभाग पटना ने इन दिनों बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। हालांकि 19 अगस्त को लेकर कहा गया है कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। राज्य के युवाओं को सिखाए जाएंगे विदेशी भाषाओं के गुर। नए सरकार के नए पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत राज्य में देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनके लिए विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर काम करने की तैयारी में है। आपको बताते चले कि पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत ने बीते दिन अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अगले 2.5 वर्षों के लिए ब्रांडिंग प्रमोशन के तहत देशी विदेशी पर्यटकों के लिए अलग अलग रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया है। वहीं विदेशी पर्यटकों की सुगमता के लिए
टूरिस्ट गाइड को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस मामले में पहले चरण में चाइनीज, कोरियन, बर्मीज, भूटानीज, सिंहलीज, वियतनामी आदि भाषाओं में राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल का अध्ययन करेगी नीतीश सरकार। बिहार में नई सरकार के मंत्री फिलहाल काफी एक्टिव दिख रहे हैं। बीते दिन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षा सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षा मंत्री ने कहा कि माध्यमिक स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से अपील है कि वह कक्षा के संचालन को प्रभावी तौर पर चालू रखें। विभाग उनका हर हाल में हर संभव ख्याल रखेगा। यही नहीं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बिहार में केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल को बिहार लाने की बात कही है, जिसके लिए वो दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे और वहां की व्यवस्थाओं को समझते हुए बिहार में शिक्षा मॉडल तय करेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि आखिर उसमें कुछ तो बात है जिसकी चर्चा देश दुनिया में होती है। आनंद मोहन को सैर करवाना इन अधिकारियों को पड़ा महंगा। बिहार के बाहुबली नेता कहे जाने वाले आनंद मोहन को जेल से बाहर घुमाना जेलर सहित अधिकारियों को बहुत महंगा पड़ा। दरअसल रक्षाबंधन के दौरान पटना के कोर्ट में हाजिरी लगाने आए आनंद मोहन को अपने आवास पर देखा गया, जो कि कानून के खिलाफ था, क्योंकि आनंद मोहन हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। ऐसे में उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसमें वो अपने आवास पर देखे जा सकते थे। इसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई और कार्रवाई करते हुए इसी सिलसिले में अधिकारियों और एक जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। मजिस्ट्रियल जांच में पाया गया कि सरकारी ड्यूटी के दौरान सस्पेंड हुए अधिकारियों ने लापरवाही की थी। जानकारी के मुताबिक जेलर मृत्युंजय कुमार, मुख्य वार्डन दानी प्रसाद यादव और वार्डन हरिनंदन कुमार को निलंबित किया गया और इनसे जवाब मांगा गया है। आईटीबीपी जवान अभिराज को नम आंखों से गांव वालों ने दी श्रद्धांजलि। आईटीबीपी जवान बिहार के निवासी अभिराज का पार्थिव शरीर बीते दिन देर रात उनके घर लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड के खेमदरनी पहुंचा। उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं आईटीबीपी के कश्मीर से आए जवानों और लोकल पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अभिराज की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। मालूम हो कि आईटीबीपी जवानों को ले जा रही बस बीते मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम अंतर्गत चंदनवाड़ी इलाके में जवानों से भरी बस पलटने से बिहार के लखीसराय निवासी आईटीबीपी जवान अभिराज भी शहीद हो गए। ई लाइब्रेरी से लैस होंगे बिहार के विश्वविद्यालय। बिहार के विश्वविद्यालय ई लाइब्रेरी से लैस होंगे। इसके लिए बीते दिन बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद पटना के सभागार में एक दिवसीय ई लाइब्रेरी पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद के सदस्य, सचिव सह राज्य परियोजना निदेशक असंगबा चुबा आयोग ने कहा कि ई लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी का महत्व काफी बढ़ गया है। इसके तहत पारंपरिक पुस्तकालयों को ई कंटेंट और ई किताबों के माध्यम से छात्रों तक आसानी से पहुंचाते हुए विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न किया जा सकता है। पुस्तकालय एक ऐसा माध्यम है जिससे विद्यार्थी एवं रिसर्च स्कॉलर ज्ञान अर्जित कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको बताते चले कि बिहार में ई लाइब्रेरी के लिए तैयारियां चल रही हैं। गुलाब का फूल लेकर लालू यादव से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति के दो सबसे ताकतवर चेहरों ने बीते दिन देर शाम मुलाकात की। मालूम हो कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव दिल्ली से पटना पहुंचे। लालू यादव के पटना पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। खास बात तो यह थी कि नीतीश कुमार लालू यादव के लिए फूलों का गुलदस्ता नहीं बल्कि गुलाब के कुछ फूल लेकर पहुंचे, जहां राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। राजनीति में ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कभी एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नहीं थकने वाले ये दो चेहरे आज प्रेम और सौहार्द की मिसाल पेश कर रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट में महागठबंधन सरकार के 22 मंत्रियों पर गंभीर मामलों में केस दर्ज। एक रिपोर्ट में यह साबित किया गया है कि महागठबंधन सरकार के 33 में से 22 मंत्री पर गंभीर मामलों में केस दर्ज किए गए हैं। इन सभी मंत्रियों में अपहरण से लेकर यौन शोषण और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप है। वहीं इससे पहले आनंद मोहन सहित कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर अपहरण का मामला और अब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल गबन करने के मामले उजागर हो रहे हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल 22 मंत्रियों पर ऐसे मामले दर्ज हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ऑफ बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार राजद के 16 मंत्री में से 14 पर केस दर्ज हैं और जदयू के 11 मंत्री में से 3 पर केस हैं। किसी में फिलहाल सजा नहीं हुई है। कार्तिकेय सिंह मामले में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कानून मंत्री कार्तिकेय मामले में तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस मामले की जरूर जांच होगी। वहीं जीतन राम मांझी ने इस मसले पर कहा कि नीतीश कुमार ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। एक बार मुझे भी मुकदमे की वजह से 8 घंटे में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार का बचाव करते हुए कहा कि जिस वक्त कार्तिकेय कुमार उर्फ कार्तिक सिंह मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब सरकार को उनके खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट के बारे में जानकारी नहीं
होगी। मामला अब संज्ञान में आया है तो कानून अपना काम करेगा। पंत ने कहा, टीम इंडिया आगामी T20 वर्ल्ड कप में अपना 100% देगी। एक दशक से ऊपर हो गए हैं, भारतीय टीम ने अभी तक कोई ICC इवेंट में जीत हासिल नहीं की है। अब जब सभी टीम तैयार है, ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवम्बर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया के युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने माना है कि थोड़ी सी बेचैनी और चिंता है, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी साइड आगामी T20 वर्ल्ड कप में जीत हासिल करने के लिए अपना 100% देगी। देशभर में आए 10,000 से अधिक कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी गुरुवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 12,608 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 157 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 49 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,02,212 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 110 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रिया राय, मिथुन कुमार पंडित, राजकुमार प्रसाद, विवेक कुमार, धनंजय सिंह, नुन्नू कुमार, शंकर मुखिया, संतोष कुमार दुबे, बाबूलाल मरांडी, कविता कुमारी और नीरज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि ई लाइब्रेरी की सुविधा से छात्रों को कितना लाभ मिलेगा। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।